अफसोस मिस्टर श्लोक, अब आपके पास अपने नाम के अलावा और कुछ भी नहीं है। सब कुछ मिस्टर मलिक चतुर्वेदी के नाम पे हो चुका है। इनफैक्ट ये घर भी। मलिक 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 क्या बात है श्लोक, क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? ये सब क्या है? क्या है कनेक्ट? क्या है ये सब? नीची आवाज श्लोक, आवाज नीची। वो क्या है ना कि मुझे अपने ही घर में ऊंची आवाज अच्छी नहीं लगती। तुम्हारा घर, तुम कहना क्या चाहते हो? बहुत ही सिंपल और सरल सी बात, अब तक आप लोग का जो कुछ भी था, सारे बिजनेस, बैंक बैलेंस, शेयर्स, एक एक पैसा, ये प्रतिभा निवास आप मेरा है। पर ये कैसे हो सकता है? ये तो सब मेरे पति का है। श्लोक, ये मलिक क्या कह रहा है? आई ना जाने कैसे इसने हमारी सारी प्रॉपर्टीज, हमारी सारी कंपनीज, इस घर की एक एक ईंट अपने नाम करवा ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा कभी ऐसे पेपर्स पे साइन कर ही नहीं सकते। जरूर तुमने बाबा को धोखा दिया है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अब तुम लोग बर्बाद हो चुके हो, तुम लोग सड़क पे आ चुके हो, इसलिए तैयारी करो। यू नो डोंट वेस्ट टाइम। नहीं, मेरे पापा, ये नहीं हो सकता। आई आजी, मेरे बेटे, कह दो कि ये सब झूठ है, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो। अफसोस दादी जी, पर ये कोई मजाक नहीं है। तुम्हारे बिजनेस को तो पहले ही बेच चुका हूं मैं श्लोक, और अब बारी है तुम्हारे इस प्रतिभा निवास की।
कुछ ही घंटों में इस प्रतिभा निवास की नीलामी होगी। कुछ ही घंटों बाद नेरुलकर परिवार की इज्जत की बोली लगेगी। देखो, बातों बातों में तुम्हें भूली गया। क्या कहा था वकील साहब आपने? कहा था ना, बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहां से। सुनाई नहीं दिया। धक्के मार के यहां से निकलना? नो नो नो, आई डोंट वांट टू डू दैट। मिस्टर कम ऑन आउट नाउ। धोखेबाज, इसीलिए तुमने हमारा प्यार और हमारा भरोसा जीता ताकि आसानी से हमें धोखा दे सको। तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के रूप में शैतान हो। शैतान, एक भेड़िया हो तुम। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्यों? क्यों किया मैंने ऐसा? यही सवाल अब अपने पति से जाके पूछे शिवाजी राव से, वही बेहतर जवाब दे सकते हैं। पिछले 20 साल से इस क्यों की तड़प में तड़प रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, शुरुआत उन्होंने की थी, मैं तो सिर्फ बदला चुका रहा हूं, बदला ले रहा हूं उनका। कमीना पाल किया था उस मतलबी और स्वाति शिवाजी राव ने। मलिक, स्टॉप। नहीं तो भैया मुझे नहीं, स्टॉप, रोक दो। हिम्मत कैसे भी भाई, नहीं बाबा को ऐसे बोलने, मैं इसको चांस मार दूंगा। नहीं रोक, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे जिससे कि बाबा को शर्मिंदा होना पड़े। जिस इंसान को तुम गाली दे रहे हो ना मलिक, उस इंसान ने अपने बेटे से बढ़कर भरोसा किया तुम पर। तुम्हें प्यार किया, तुम्हें इस घर में लेकर आया, तुम्हारे शिपिंग बिजनेस के लिए अपनी जिंदगी भर की एक एक कमाई तो ऊपर लगा दी, और आज तुम उसी को गाली दे रहे हो। बीस साल पहले मेरे साथ भी ठीक ऐसा ही धोखा हुआ था। मेरे मां बाप की बर्बादी के ऊपर शिवाजी राव ने अपनी कामयाबी की नींव रखी। बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ यही सोचता रहा, क्यों आखिर क्यों। 20 साल का गुजरता हर एक लम्हा कोसता रहा मुझे, जो अपने मां बाप की बर्बादी का बदला आज तक नहीं ले पाया, जो ये हमें दुख देने वाला निरुकर परिवार आज तक खुश है। 20 साल उस फैसले की आग में जलता रहा हूं मैं दिन रात। है जिगर तो सुनो, शिवाजी राव ने मेरे पापा को उस गुनाह की सजा दी थी जो उनसे अनजाने में हुआ था। माफ भी किया जा सकता था, लेकिन शिवाजी राव ने, मैं मानता हूं मैंने गुनाह किया और मैंने अपने आप को कानून के हवाले भी किया है। रहम कीजिए मुझ पर इसकी इतनी बड़ी सजा मत दीजिए कि मेरा परिवार भुगते। कानून के आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ, खून तुम्हीं ने किया है। तुम्हारे किए गए इस गुनाह के बदले में यह अदालत ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। शिवाजी राव के पैर पड़ गए,
खिलखिलाए थे, माफी मांगी थी, लेकिन बस अपनी समझने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे सजा हो गई तो मेरी बीवी, मेरा बच्चा दोनों फुटपाथ पर आ जाएगी। एक आप ही जो मुझे इस सजा से बचा सकते हैं सर, प्लीज। तुमने गुनाह किया है, उसी की सजा मिल रही है तुम्हें। हटो हटो। ठोकर मार के चला गया वो कमांडर शिवाजी राव, और सजा की चीटें मेरी माँ के दामन पर उड़ी। ये तो उल्टा है, उन्हीं की बीवी है। अरे इससे तो दूर ही रहना चाहिए, पता नहीं कहां से हमारे सर पे आके मंडरा रही है। कुल्टा। और जरा बेटे को देखो तो सही, अभी से खूनी के लक्षण है, कैसे घूर घूर के देख रहा है। और फिर आया मेरी जिंदगी का वो काला और मठोस दिन। दूर कर दिया मेरे पापा को मुझसे, जाते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। हिम्मत हिलाकर कैसे भी घर पहुंचा, एक फांसी की सजा, तीन जिंदगियों के लिए फंदा बन गई। पापा को मौत की सजा मिली, मां ने खुदकुशी कर ली, और मुझे मुझे जिंदगी भर के लिए अनाथ और अपाहिज बना दिया। उस दिन मैंने ठान लिया था कि मेरे परिवार को बर्बाद करने वाले को और उसके परिवार को मैं बख्शूंगा नहीं। हे गणपति बप्पा, जल्दी निकालो मुझे यहां से, ताकि मैं नेरुरकर परिवार को मलिक के हाथों बर्बाद होने से बचा सकूं। मेरे पास ही वो सबूत है जो नेरुरकर परिवार को बर्बाद होने से बचा सकता है। बचाना है मुझे अपने परिवार को। इन हाथों ने मजदूरी की है, जिन मासूम हाथों में खिलौने होने चाहिए थे छाले नसीब में मिले। हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए थी, माँ बाप की अस्थि थी, माँ बाप की अस्थि। सर में माँ बाप की छत होनी चाहिए थी, लेकिन अनाथ आश्रम की छत मिली मुझे। जिंदगी भर का यह अपाहिजपन मिला, यह है मेरी जिंदगी सिर्फ शिवाजी राव की वजह से। और अब आप देखना, वो और उसका ये परिवार मुक्त देगा। अब आप सबको पता चलेगा क्या होता है बेघर होना, अनाथ होना, फुटपाथ पे रहना। भगवान के लिए हम पे दया करो जी, आप हमें इस तरह
घर से निकाल के सड़क पे नहीं खड़ा कर सकते ना जी। ऐसा मत करो जी, मत करो। ऐसा ही होगा। 20 साल पहले जो मेरे साथ हुआ था वही आज दोबारा होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि उस दिन अकेला मैं रोया था, पर आज ये पूरा परिवार रोएगा। अब अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। चलो निकलो यहां से, सुना रहे, निकलो यहां से। मैं नहीं जाऊंगी, मैं दुल्हन बनकर इस घर में डोली में आई थी, यहां से जाएगी तो सिर्फ मेरी आरती, नहीं जाऊंगी। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। श्लोक, श्लोक, इतना बड़ा तूफान तुम्हारे सामने खड़ा है, इस समंदर में डूब रहे हो, लेकिन उम्मीद अब भी कायम है। I like that। डूबते हुए को तिनके का सहारा बहुत होता है मलिक। याद है ना, किस्मत कब क्या हालात पैदा कर दे पता नहीं होता। बस बहुत बोलने दिया मैंने। कोई है? कोई है बाहर जो मुझे सुन रहा है? कोई है? आओ। तुम गेट आउट कहोगे और हम लोग निकल जाएंगे। हमें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, हम अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हमारा घर है जी। ऐसे नहीं मानेंगे। इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको अपनी ड्यूटी याद दिलानी पड़ेगी मुझे? आई वॉन्ट ऑल ऑफ देम आउट ऑफ माई हाउस नाउ।